पूरे देश के हर वर्ग को, हर जाति को, हर मजहब को सड़क पर उतरने की जरूरत है। सबसे अनुरोध करता हूँ कि जहाँ भी जिस हैसियत में है सड़क पर उतरिए सरकार के खिलाफ। कि दलित की बेटी, पिछड़ों की बेटी आपके लिए एक सामान है, आप उसका इस्तेमाल करिए और जला दीजिए। पिछले 7 साल से देश को फिर उसी आदिम युग में पहुंचाने की साजिश चल रही है। 9 साल 10 साल की बेटी है एक सांसद की, उसको बुला के आप चॉकलेट खिलाते हैं और ये बताते हैं कि मेल आया था इसलिए मैं उससे मिला। ये देश को मैसेज दिया गया ना। हमारे साथ इमरान प्रताप गढ़ी हैं, आप देख सकते हैं इमरान प्रताप गढ़ी आज जो कांग्रेस की दलितों पर बढ़ते हुए अत्याचार के लिए हल्ला बोल रैली थी उसमें शामिल हुए थे, क्या संदेश देना चाहते हैं इमरान जी आप? देखिए सबसे पहले तो अनमोल मैं आपको बधाई दूंगा, आपने जो साहस दिखाया है वो देश के बड़े बड़े पत्रकारों को आपने आईना दिखाया है साहस दिखा करके, आपको बधाई। दूसरी बात ये कि ये सरकार पूरी तरह से आवाम की विरोधी है, मैं इसे किसी वर्ग विशेष जाति विशेष की विरोधी नहीं मानता, ये आवाम विरोधी सरकार है और इस सरकार के खिलाफ पूरे देश के हर वर्ग को, हर जाति को, हर मजहब को सड़क पर उतरने की जरूरत है। इस सरकार से निजात पाइए वरना ये सरकार लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल दे रही है। आने वाला वक्त लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। क्या बात कर, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ आने वाले वक्त जो है वो संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें संविधान देकर के गए उसको कुचलने की जो कुत्सित साजिशें हो रही हैं वो बहुत खतरनाक हैं। देश की सिविल सोसाइटी से, देश के तमाम राजनीतिक दलों से, क्षेत्रीय दलों से सबसे अनुरोध करता हूँ कि जहाँ भी जिस हैसियत में है सड़क पर उतरिए सरकार के खिलाफ। जिसने कानून का पालन करवाने की कोशिश की उसको आपने सस्पेंड करके अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया कि जितना उधम मचाना है मचाओ, सरकार तुम्हारे साथ। ये सरकार इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करती है जो इस तरह के नारीबाजी और इस तरह के नफरत फैलाने का पूरी तरह से प्रोत्साहित करती है। आप बताइए कि छोटी छोटी धाराओं में उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे मामलों में यूएपीए लग गया, सिद्दीक कप्पन जो है वो पिछले 1 साल से जेल में है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बाद में दिल्ली में यूएपीए लगे हुए लोगों को जब जमानतें दी न्यायालयों ने तो बड़ी खराब टिप्पणियां करी पुलिस प्रशासन पे, लेकिन यहाँ पे इतने भड़काऊ नारे लगाने वाले तमाम चेहरे जो वीडियो में मौजूद हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं। और जब बहुत दबाव बना सोशल मीडिया पर तो अरेस्ट करने का नाटक और एक दिन की जेल, ये तो एक नया ट्रेंड चला है कि जिस तरह से हाथरस में हमने देखा कि एक दलित बेटी को जला दिया गया, फिर वही एक वही सेम पैटर्न यहाँ पर दिल्ली कैंट में गैंगरेप करके उस 9 साल की बच्ची को जला दिया गया, और वहाँ के लोगों का ये भी आरोप था कि जब लोग बुझाने गए तो पुलिस ही बुझाने से रोक रही थी। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते? दरअसल ये नया ट्रेंड नहीं है, सदियों पुराना ट्रेंड है, ये सदियों पुराना कई युगों से चला आ रहा ये ट्रेंड है कि दलित की बेटी, पिछड़ों की बेटी आपके लिए एक सामान है, आप उसका इस्तेमाल करिए और जला दीजिए। ये ट्रेंड सदियों पुराना है। बीच में नेहरू जी ने, कांग्रेस ने, इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मेहनत करके एक संविधान बनाया, देश उसके हिसाब से चलने लगा। पिछले 7 साल से देश को फिर उसी आदिम युग में पहुंचाने की साजिश चल रही है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, पूरी तरह से साजिश चल रही है। वरना मैंने तभी भी कहा ना कि 9 साल के एक सांसद, 9 साल 10 साल की बेटी है एक सांसद की, उसको बुला के आप चॉकलेट खिलाते हैं और ये बताते हैं कि मेल आया था इसलिए मैं उससे मिला। ये देश को मैसेज दिया गया ना। उसकी चिता की राख आपको पुकार रही है, जाइए एक बार उस पीड़ित परिवार से मिल लीजिए। उसके पिता की चीखें पुकार रही हैं दलित बेटी की जो 9 साल की है, जाइए उससे मिल लीजिए। उसके लिए जिसने आवाज उठाई आप उसका ट्विटर लॉक करवा देंगे। इमरान भाई, वहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी आरोप था कि पुलिस ने उस बच्ची के माँ बाप को डिटेन कर लिया था और उनको हवालात में मारा, और उसके पिता को सीरियस इंजरी भी हुई थी, उनको प्लास्टर करवाना। यही है न्यू नॉर्मल, यही हाथरस में हुआ ना। डीएम को भेज करके हाथरस के दलित परिवार को हड़काया गया, धमकाया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं बिना रिपोर्ट आए? ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है ना। चलिए, तो ये थे इमरान प्रताप गढ़ी हमारे साथ, और ये पूरा जो कांग्रेस का दलितों पर होने वाले अत्याचार को लेकर रैली था और एक आक्रोश रैली थी, हल्ला बोलता संसद तक, इन लोगों को संसद तक तो नहीं जाने दिया गया, पुलिस ने बीच में ही रोक लिया, लेकिन ये रैली बहुत बड़ी थी, इसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल हुए। अगर मैं अपने नज़रिए से बताऊँ तो करीब 50,000 लोग और पूरे देश से लोग आए हुए थे, और दिल्ली कैंट में जो गैंग रेप हुआ है उसको लेकर भी बहुत बड़ी आवाज़ उठी है। देखना ये होगा कि इन सारे प्रदर्शनों और आंदोलनों के बाद भी दिल्ली पुलिस और सरकार होश में आती है कि नहीं, उस 9 साल की बच्ची के माता पिता को न्याय मिलता है कि नहीं। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, IYC दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।